उसी जल में प्रतिबिंबित होता है जो जल शांत है। फिर यही तो समस्या होती है मन की, मन कभी भी शांत नहीं हो पाता है। जहां शांति नहीं वहां कुछ भी नहीं रुकता, समुद्र की लहरों की भांति विचारों का उपद्रव मन को निरंतर स्थिर रखता है। कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है, किंतु मन मौन रहना नहीं जानता, वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता रहता है। प्रतिपद शब्दों का आक्रमण चलता रहता है मन पर, और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता। जहां जीवन की सत्यता का बोध उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता। मैं वो हूं जो नहीं है, जो नहीं है काल तक सभी को यह स्मरण रहे, जब आप में श्वास है तो मैं आप में हूं। देव देव महादेव शिवा, देव देव, और जिस क्षण आप में श्वास नहीं देव देव, तब आप मुझ पे देव शिवा। सत्य को जानने के लिए वन में जाना अनिवार्य नहीं है, अपने निजी पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का परित्याग भी आवश्यक नहीं। सत्य तो सदैव हमारे साथ है, हमारे सामने है, किंतु हम स्वयं धीरे धीरे उस पर अपने क्रोध, अपने अहम भय, विचार और महत्वाकांक्षाओं जैसे कई आवरण चढ़ा देते हैं। सत्य हमसे नहीं, हम स्वयं सत्य से दूर हो जाते हैं। जहां न अमृत न विष, न सुख न दुख, न स्वर्ग न नरक, वही परम आनंद है। उसी परम आनंद तक की यात्रा है तुम्हारी। ये यात्रा आनंद के सानिध्य की है, ये यात्रा सानिध्य के आनंद की है, और इस यात्रा में मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूं। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो, तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम। हर आरंभ का मैं ही अंत हूं, और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा। देव देव महादेव शिवा, साथ चल। तुम्हारी अपनी इच्छाओं ने किया है, तुम्हारे हट ने किया है, तुम्हारी अपनी सोच ने किया है। ये रहस्य नहीं कि प्रत्येक आत्मा मुक्ति की इच्छुक होती है। जो मरता है
वो है पंचभूतों से निर्मित शरीर। किंतु आत्मा, आत्मा तो अजर है, अमर है। जिसकी यात्रा मोक्ष पर संपूर्ण हो, जहां सांसारिक बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, सारी इच्छाएं लुप्त हो जाती। किंतु तुमने तो कभी सत्य की खोज ही नहीं की। तुम तो सदैव उन तत्वों को ढूंढते रहे जो तुम्हारे अहंकार के पोषण हेतु आवश्यक थे। किंतु सत्य तो यही है कि ना कोई तुम्हारा है और ना तुम किसी के। जो है वो परमात्मा का है और जो नहीं वो भी परमात्मा का ही है। इस शरीर में तुम इस सत्य से अनभिज्ञ हो, किंतु इस शरीर के पूर्व तुम्हें इस सत्य का बोध था और इस शरीर के पश्चात भी रहेगा। प्रश्न ये है कि क्या तुम इस सत्य को अभी स्वीकार करना चाहते हो? यदि करते हो तो परिवर्तन का मार्ग स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। आजीवन तुम प्रत्यक्ष को ही सत्य मानते रहे, परोक्ष सदैव महत्वहीन रहा। तुम्हारे पास यही अवसर है उस भूल को सुधारने का। भक्ति हेतु यदि कुछ अनिवार्य है तो केवल भक्ति ही। किंतु प्रश्न ये है कि क्या आपकी भक्ति संपूर्ण है? विश्वास और भ्रम के बीच की रेखा अत्यंत महीन होती है। असंख्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाते कि उनका विश्वास विश्वास है या भ्रम। मुझ तक पहुंचने के लिए किसी और की आराधना अनिवार्य नहीं। मेरे सच्चे भक्त तो मुझे किसी भी रूप में पूज सकते, किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते। ओम नमः शिवाय। पुरुष और प्रकृति एक है, वो कभी पृथक नहीं हो सकते। शक्ति शिव के बिना अधूरी है। शिव तो शक्ति के बिना शव के समान है। शिव शक्ति पुरुष प्रकृति का संतुलन सदैव अनर्थकारी सिद्ध होगा। शरीर में यदि स्त्री तत्वों की ऊर्जा नहीं तो शरीर निर्जीव है। शिव के संपूर्ण रहस्यों को समझ लेना भक्ति ज्ञान और तपस्या की पराकाष्ठा है। जब ज्ञान के लिए शब्द पर्याप्त ना हो, उदाहरण प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाता है। केवल आपके लिए ही नहीं, अपितु तो आपके माध्यम से समस्त संसार को शिव और शक्ति की संयुक्ता से पुनः अवगत कराना इस प्रसंग का उद्देश्य था। महादेव जो पूर्ण हुआ। महादेव महादेव। जहां ना अमृत न विष, न सुख न दुख,
ता स्वर्ग न नर्क, वही परम आनंद है। उसी परम आनंद तक की यात्रा है तुम्हारी।